नेपाल से अयोध्या शालिग्राम पत्थर लाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं पत्थरों से रामलला की मूर्ति बनाई जाएगी। हमारे साथ कुछ अयोध्यावासी हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या मान्यता है और इनका क्या सोचना है। अयोध्या में चूंकि शालिग्राम पत्थर लाए जा रहे हैं, उन्हें बहुत पवित्र माना जाता है विश्व, तो ऐसे में उनकी रामलला की मूर्ति अगर बनाई जा रही है तो आप लोग का क्या कहना है? जी देखिए, शालिग्राम जी अति पवित्र हैं और उनपे हिंदू मान्यताओं के अनुसार उससे मूर्ति का आप निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ही विष्णु भगवान का अवतार हैं और उस पर अगर छेनी हथौड़ा चलेगा तो ये कहीं ना कहीं हिंदू जनमानस पे वो होगा। वो आप लाइए, ला के दर्शनार्थ रखिए राम जन्मभूमि पे। लेकिन मेरा नर्म निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है कि शालिग्राम जी से मूर्ति का निर्माण न करिएगा, क्योंकि वो साक्षात विष्णु हैं और अगर विष्णु पे छेनी हथौड़ा चलेगा तो हम लोगों के हृदय पे चलेगा। मैं जहाँ तक शास्त्रों को जानता हूँ या अध्ययन किया हूँ तो उसमें मैंने यही पाया है, यही मेरा विचार। जी बिल्कुल, तो जिस इनका कहना है। तो हमारे साथ एक और यहाँ के व्यक्ति हैं, चूँकि यहाँ के पार्षद भी हैं और जानकार भी हैं। रामलला की मूर्ति बनने जा रही है, चूँकि ट्रस्ट ने जो है तिथि भी घोषित कर दी है, ऐसे में नेपाल से पवित्र शालिग्राम पत्थर लाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शालिग्राम जैसे भाई साहब ने कहा भी बताया है कि उनका विखंडन नहीं होना चाहिए, ये उचित भी है। इन सबको बचाते हुए शालिग्राम खुद एक भगवान है, राम जी भी भगवान है और हम लोग ये मानते हैं कि ईश्वर एक है। और अगर हमारा बस दिली इच्छा ये है, हमारा पूरे अयोध्यावासियों का और पूरे देशवासियों भी राम भक्तों का, भव्य राम मंदिर का अच्छा निर्माण हो। और चूँकि बहुत कई हजारों वर्षों से अयोध्यावासियों की मतलब यहाँ पे लड़ाई हम लोग लड़े हैं और ये है कि लोग चाहते हैं कि भव्य मंदिर के साथ अब राम जी टंट से बाहर आए हैं तो उनके लिए भव्य महल की भी उनकी व्यवस्था हो, क्योंकि वो राजा है हमारे, राजा अगर अच्छी व्यवस्था में नहीं रहेगा तो प्रजा कैसे रहेगी। ऐसा माना जा रहा है, चूँकि ट्रस्ट की तरफ भी कहा गया है कि चूँकि जनकपुर और अयोध्या का बहुत पुराना नाता रहा है, तो ऐसे में जनकपुर से अगर पत्थर अयोध्या आ रहे हैं, वो भी शालिग्राम जैसे पवित्र पत्थर, तो क्या कहेंगे, कितना उत्साह है अयोध्यावासियों में? देखिए, अयोध्यावासी सबसे ज़्यादा उत्साहित तो रामलला के टेंट से बाहर आने से ही हो गए। सबसे बड़ी खुशी उनको यही है कि रामलला जो पूरे बखल ब्रह्मांड के नायक हैं, जो लोगों को आज़ादी, जिनके एक नाम लेने से आज़ादी मिलती रही है, उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे औपचारिक बंधन के रूप में था, जो उस औपचारिक बंधन से भी मुक्ति मिली उनको और भगवान जब खुद चाहे तभी उसकी पूरा हो सका। और उसके लिए यह है कि जनकपुरी से जो आ रहे हैं तो वहाँ सहयोग मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। बस हमारा यह है, हमारा अयोध्यावासियों का यही है कि और सहयोग जनकपुरी क्या पूरे देश ने किया है, यथासंभव जिससे हो पाया, जो भी अपने तरफ से सहयोग हो पाया लोगों ने, पूरा देश ने किया है। जनकपुरी से जो सहयोग आ रहा है उसके लिए भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि भव्य राम मंदिर लगभग 60-70% पूरा हो चुका है निर्माण कार्य, अब रामलला को विराजमान करने की तिथि भी रख दी गई है, तो अगर एज ए अयोध्यावासी देखा जाए तो कितना उत्साह है अयोध्यावासियों में? उत्साह तो इतना है कि उसका शब्द में वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं। इतने कम से कम 700-800 या हम कहें हजारों सालों की मेहनत के बाद राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, करोड़ों व्यक्तियों के बलिदान के बाद, तो उत्साह वो शब्दों में नहीं हम लोग ये बयां कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा उत्साह है, लेकिन कहीं कहीं कुछ मन में ये कठोरघात भी हैं जो समय समय पे अभी मैंने आपके माध्यम से रखा। तो मेरा पुनः हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारे पुराणों उपनिषदों के अनुसार शालिग्राम जी अपने आप में पूर्ण भगवान है, उनको राम जन्मभूमि मंदिर में लाइए, उनको दर्शनार्थ विष्णु जी के अवतार के रूप में दर्शन करवाइए और मूर्ति के लिए किसी दूसरे पत्थर का चयन करिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से ट्रस्ट ने भी कहा है कि और जगहों से पत्थर मंगाए जा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं पत्थरों से रामलला की मूर्ति बनाई जाए, तो ये बात अलग है। और हमारे साथ एक अयोध्यावासी हैं, शालिग्राम पत्थर आ रहे हैं अयोध्या, दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण हो रहा है, लगभग हो चुका है, तो कुल मिला के अगर अयोध्यावासी कितना उत्साह है, किस नज़र से आप देखते हैं? निश्चित रूप से अयोध्यावासियों में बहुत ही उल्लास है, उत्साह है। ये बहुप्रतीक्षित मामला था जो कई वर्षों से लंबित था और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम इसके गवाह बने हैं, हमारे सामने ये चीज़ हो रही है। आने वाली पीढ़ियाँ को हम इस चीज़ के लिए बता सकते हैं कि पहले का संघर्ष क्या था और ये समय क्या था, ये उल्लास उनको हम बताएंगे तो वो उनके लिए भी सीखने के लिए एक अच्छा मौका रहेगा। और निश्चित रूप से उल्लास है, उत्साह है, मंदिर का इंतजार है कि कब मन के तैयार होगा, हम दर्शन करने के लिए मंदिर जाएंगे।
रामलला का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आज पत्थर शालिग्राम अयोध्या पहुंच रहा है, तो अयोध्यावासी किस तरह से स्वागत करेंगे? बिल्कुल, अयोध्यावासी बहुत जोर स्वागत करेंगे, पूरी तरीके से उल्लासित है और जिस तरीके से भी हो सकेगा बंद पड़ेगा, वो अपने आराध्य को देखने के लिए जिस दिन से उनका निर्माण होना है उस पत्थर को दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे और स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल, तो ये अयोध्यावासी थे, इनका अपना अपना मत है, लेकिन पवित्र शालिग्राम पत्थर को लेकर सभी का यह कहना है कि ये बहुत ही पवित्र पत्थर है, अयोध्या में आना चाहिए, दर्शन पूजन होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या वासियों सहित राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संजीव आजाद, पंजाब केसरी टीवी, अयोध्या।